तो स्टूडेंट हम लोग अभी रिलेशन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर हमें रिलेशन समझना है तो हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्या होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, चेंज इन लेंथ और लेंथ होना चाहिए, तभी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी हमें क्या करना होगा, हमें एक वायर लेना होगा। तो हमने एक वायर ले लिया है, ठीक है, और इस वायर के नीचे हम लोग क्या अटैच करेंगे, वेट्स अटैच करेंगे अलग अलग। तो जैसे पहले मैंने सिर्फ एक लगा दिया, मतलब 5 kg का वेट। तो अभी ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, ठीक है, करेक्ट। तो जब मैंने ये वेट लगाया पहला वाला, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगा, मानो ये वेट W1 है, क्या है W1। तो जब मैंने वेट डाल दिया W1, तो जो चेंज इन लेंथ आया मानो आया डेल्टा L1, कितना आया, तो स्ट्रेन कितना आएगा, तो स्ट्रेन आएगा डेल्टा L1 बाई ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी W1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, कैसे नो। यानी मुझे स्ट्रेस मिल गया, मुझे क्या मिल गया, स्ट्रेन। मैं वापस ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा, यानी अब मैं दूसरा वेट लगाऊंगा, यानी मैंने एक और इसमें वेट जोड़ दिया, ठीक है, सही है। तो अब टोटल वेट W2 हो गया, और टोटल चेंज इन लेंथ अभी कितना होगा, कुछ तो नया होगा, और यहां से मुझे स्ट्रेन मिलेगा डेल्टा L2 बाई L, ये नया स्ट्रेन, और ये नया स्ट्रेस W2 बाई A, राइट। तो W1 और W2, मतलब आप समझ गए, सिर्फ एक लगाया था हमने, तो ये W1 था, मानो ये W1 है और ये W2 है। तो अभी हमने W1 प्लस W2, अभी टोटल वेट कितना लगा दिया, W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 बाई, अब ये हो गया स्ट्रेस। तो इस तरह से हम लोग जो है उसमें जो हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं, उस वायर से जो हम लोड हैंग कर रहे हैं, वो लोड हम चेंज करते जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस चेंज होता जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नया नया स्ट्रेन आता जाएगा। अब अगर हमने इन दोनों को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उस पर इसको हमने क्या किया, प्लॉट किया, तो फिर हमें एक कर्व मिलेगा, उस कर्व को हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जब ये कर्व प्लॉट किया गया, राइट, तो इसमें कुछ चीजें समझ में आई हमें, जैसे अभी ये वायर है, अब इस वायर को हम कंटिन्यूअसली कितना लोड लगा सकते हैं, एक लिमिट तक लगा सकते हैं कि नहीं, राइट। तो जैसे अभी उसने ये लगाया W2, फिर उसने क्या किया, फिर उसने W2 हटा के देखा, W2 लगाकर और W2 हटाकर, यानी वायर को लोड किया और वायर को अनलोड किया। तो वायर को लोड किया तो चेंज ये था, अभी वायर को अनलोड किया मानो मैंने W2 हटा दिया, और अगर ये चेंज रिवर्स हो गया तो मैं कहूंगा वायर अभी इलास्टिक है, वायर अभी क्या है, क्योंकि वो आपका शेप क्या कर रहा है, मैंने मानो W1 भी हटा दिया और उसने इसको भी रिवर्स कर लिया, वायर ने वापस वो अपना शेप रिगेन कर लेता है, तो यानी इस पॉइंट तक वो इलास्टिक है। पर मैंने बहुत ज्यादा वेट लगा दिया, लोड किया, W3 लगाया, फिर W3 हटाया, अनलोड किया, और अगर वो अपना शेप वापस रिगेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वो अभी पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया। तो एक लिमिट तक वो क्या रहेगा, इलास्टिक, और उस लिमिट के बियॉन्ड उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब वो अपना शेप वापस रिगेन नहीं करेगा, वो जो है वापस अपना जो शेप है वो रिगेन नहीं करेगा। तो अभी ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे जब लोग वेट डालेंगे उसका लेंथ बढ़ेगा, और वेट हटाएंगे तो उसका लेंथ घटेगा। अगर वो पूरा रिस्टोर होता है तो उस पॉइंट तक वो इलास्टिक है, ठीक है, पर अगर वो पूरा रिस्टोर नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब वो इलास्टिक नहीं है, क्या हो गया उसका नेचर, इलास्टिक बिहेवियर हो गया। और एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे आप लोग बढ़ाते जाओगे, तो एक पॉइंट पे जाकर ये वायर जो है, ये वायर
उस लोड को सह नहीं पाएगा और ये बिल्कुल अपने आप ही उसका लेंथ बढ़ने लग जाएगा लोड घटाने पर भी, तो वो हम लोग देखेंगे आगे आएगा वो। और एक पॉइंट आएगा जहाँ वायर टूट जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक, ब्रेकिंग पॉइंट, है कि नहीं, सही है, yes. समझ में आया। तो यहाँ पर देखो ये जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो एक पॉइंट यानी लेट अस से कि पॉइंट पी तक, ठीक है, पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी ये वो पॉइंट है ओ से पी। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ओ से पी क्या चल रहा है, तो ओ से पी इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यानी इसमें इस ग्राफ में ओ से पी तक स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा कि एक लिमिट तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये समझ में आपको, अच्छा। और अगर आपने इसका स्लोप निकाला थीटा, राइट, करेक्ट, टैन थीटा अगर आप निकालते हैं तो वो टैन थीटा आपको क्या देगा, वो आपको देगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूटिलिटी है यंग्स मॉडुलस निकालने, क्योंकि ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का है, जो हम लोग आगे और स्टडी करेंगे। तो अभी यहां पे ये पॉइंट पी जो है, ये क्या है, पॉइंट पी यानी यहां तक ओ से पी में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसी को हुक्स लॉ कहते हैं, जो साइंटिस्ट है हुक्स, तो उन्होंने बताया कि ये जो वो रीजन है जहां पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहां से उनको क्या मिल गया था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर प्रोपोर्शनल होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोला उन्होंने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया ई इनटू स्ट्रेन, तो यहां से ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या मिल गया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं जो यहां पे अभी डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये तीन तरह के होते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने पास तीन तरह के स्ट्रेस है और तीन तरह के स्ट्रेन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलने वाले हैं, ठीक है। इन फिलहाल हम लोग ये पहले ग्राफ पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, राइट, तो यहां से यहां तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे, यानी हम लोग और ज्यादा वेट कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये एक पॉइंट तक जाएगा जहां पे वो प्रोपोर्शनल तो नहीं है, थोड़ा कर्व है ऐसा, अब प्रोपोर्शनल नहीं है, थोड़ा कर्व है, लेकिन लेकिन अगर इस पॉइंट में यानी पी से लेकर ई में लोड लगाया जाए और लोड हटाया जाए तो वो अपना शेप रिगेन जरूर कर लेता है, यानी ऑब्जेक्ट इलास्टिक तो है लेकिन स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो ई आप देख रहे हैं, इस ई को हम लोग कहते हैं, ई को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो ओ से ई, ओ से लेकर ई तक ऑब्जेक्ट जो है इलास्टिक है, परफेक्टली क्या है, इलास्टिक, तो O से E, तो यहाँ पे जो है इट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि वो अपना शेप पूरा रिगेन करेगा, लेकिन O से P में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये अलग चीज है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, समझ में आया। O से P में भी परफेक्टली इलास्टिक है, P से E में भी परफेक्टली इलास्टिक है, वो पूरा इलास्टिक लिमिट है वो E तक, यानी वो अपना शेप पूरा रिगेन करेगा, लेकिन जो हमें चाहिए कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो चीज सिर्फ ओ से पी में, पी से ई में नहीं। पी से ई में आप देख रहे हैं कर्व टेढ़ा हुआ है, कर्व टेढ़ा हुआ यानी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, यानी अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन दे आर नॉट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये था OP, तो इसलिए हमने E को क्या बोला है, E पॉइंट को बोला इलास्टिक लिमिट। समझ में आपको, E पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद जब हम स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे, राइट, क्योंकि अब ये इसका इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक नेचर उसका खत्म हो गया, हाँ समझ में आ रहा है। अब आप उसको जब एक्स्ट्रा लोड लगा रहे हो तो अब वो क्या होगा, अब वो प्लास्टिक नेचर शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आपने और लोड लगाया तो ये पॉइंट तक पहुंच गया, वो पॉइंट है ई डैश, वो पॉइंट क्या है, ई डैश। ये ई डैश कैसा पॉइंट है, ये ई डैश ऐसा पॉइंट है जहां पर, यानी ये ई के बाद, अब ई के बाद ये प्लास्टिक नेचर शुरू हो गया, यानी ई तक, इस पॉइंट तक इलास्टिक नेचर है, इस पॉइंट तक क्या है, इलास्टिक नेचर है, और इसके बाद जो है इसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, प्लास्टिक बिहेवियर। तो अगर आप इस पॉइंट तक लेके आए ई तक, और अगर अब आप लोड जो आपने लगाया था वो लोड आप हटाओगे यानी अनलोड करोगे, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वो वापस अपना शेप पूरा रीगेन नहीं कर रहा है, यानी आप देखोगे कि उसमें जो है एक परमानेंट, यानी ये ओ है तो ये ओ डैश, कहने का मतलब क्या है कि उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा वायर में, एक परमानेंट चेंज वायर में क्या आ जाएगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा, वो परमानेंट चेंज ये ओ ओ डैश। यानी अगली बार जब आप ये वापस इस वायर को लोड अनलोड करोगे, यानी आपने यहां तक लोड किया अनलोड किया, ये वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा, यानी स्ट्रेन इज जीरो, स्ट्रेन इज इट कम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ। ये जो आप ये एक्सिस देख रहे हो, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, समझ में आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक लोड किया वापस अनलोड किया, वो वायर में स्ट्रेन क्या होगा, जीरो, मतलब वापस ये ग्राफ जीरो से शुरू होगा, वापस लोड करो फिर यहां से शुरू होगा फिर अनलोड होगा, यानी ग्राफ हमेशा कहां से शुरू होगा, ओ से। लेकिन अगर आपने, तो अगर आपने ये ई तक भी किया तो भी वो ओ से शुरू होगा, वो पूरा अपना शेप रिगेन करेगा, राइट, यानी वायर एक्सटेंड होगा फिर वो उसका एलॉन्गेशन कंप्रेस हो जाएगा फिर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ई के बियॉन्ड लेके गए, ई डैश तक, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो अपना प्लास्टिक नेचर शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे वो इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जब तुम उसको वापस पूरा अनलोड कर दोगे तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, परमानेंट चेंज, यानी एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। तो अब ये ग्राफ जब तुम फिर उसको लोड करना शुरू करोगे तो वो अब ग्राफ यहां से शुरू होगा ओ डैश से, यानी उसका एक नया लेंथ होगा एल प्लस डेल्टा एल, और वहां से उसका लेंथ बढ़ना शुरू होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट सेट, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट, मतलब आपने उस वायर को खराब कर दिया एक्स्ट्रा लोड लगा के, समझ में आ रहा है, राइट। जैसे कभी कभी हम लोग सूटकेस बहुत भर देते ना, पूरा एकदम लेकिन एक्स्ट्रा भर देते, फिर सूटकेस उठाते तो उसका हैंडल निकल के बाहर आता है और सूटकेस नीचे रह जाता है या लोड टूट जाता है। ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लोड भर दिया, है कि नहीं। हमारा सूटकेस बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए, जितना भी जगह रहेगा हम सब क्या कर देते हैं, भर देते हैं, खाली रहेगा तो और दो चार कपड़े डाल देते हैं पर वो खाली नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद होता क्या है, वो जो हैंडल है उसमें परमानेंट सेट आ जाता है, वो टूट जाता है, उसके इलास्टिक नेचर के बियॉन्ड आप चले गए तो फिर वो उसमें परमानेंट सेट आ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी आपने एक्सेस लोड लगा दिया तो वो डिफॉर्म होगा। तो ये ओ ओ डैश जो आप देख रहे हो इसको परमानेंट सेट बोलते हैं, मतलब उस वायर में एक परमानेंट डिफेक्ट आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, इसको आप क्या नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, इट इज इररिपेयरेबल, समझ में। तो यहां से ये ओ ओ डैश जो है इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट, ठीक है। यानी अगली बार इसको जब पूरा अनलोड कर दोगे, वापस लोडिंग शुरू करोगे, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओ डैश से, यानी विद अ न्यू लेंथ, दैट इज पहले वाला लेंथ एल प्लस दिस चेंज डेल्टा एल, वहां से अब उसका स्ट्रेन चालू होगा, समझ में आया। तो फर्दर चेंज इन लेंथ विल टेक प्लेस बियॉन्ड दैट लेंथ, करेक्ट, ओके। तो ये हो गया, हम लोग कहां पहुंच गए, ई डैश पे पहुंच गए। तो आप देखो अभी ई डैश के बाद क्या होगा, ई डैश के बाद ऐसा होगा कि स्ट्रेन, मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस देने से स्ट्रेन ज्यादा चेंज, ज्यादा उसका लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। यानी थोड़ा भी स्ट्रेस आप दोगे तो स्ट्रेन जल्दी
आएगा, यानी ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, उसका लेंथ ज्यादा चेंज होगा। यानी अब ये ग्राफ जो है धीरे धीरे ये ऐसे मुड़ने लगेगा x एक्सिस की तरफ। यानी छोटा सा स्ट्रेस दिया आपने, यू आर गिविंग इट अ वेरी स्मॉल स्ट्रेस, बट दैट स्मॉल स्ट्रेस, क्योंकि ये y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस, बट फॉर अ स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ वेरी लार्ज स्ट्रेन, फॉर अ स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ वेरी लार्ज स्ट्रेन। समझ में आ रहा आपको? तो ये जो आप देख रहे हो ये यहां से ऐसा होकर एक पॉइंट होगा जहां पे एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा, सीधा एकदम पैरेलल टू दिस एक्सिस, पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस एकदम सीधा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम कोई स्ट्रेस नहीं भी दे रहे तो भी उसमें स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट। यील्ड मतलब जो छोड़ दिया वायर ने, वायर जो है उसने खुद को क्या कर दिया है, हाँ उसने पूरा छोड़ दिया, अभी ले जाओ खींच लो जहाँ खींचना है जो करना है। समझ में आपको? तो पूरा उस वजह से एकदम टोटली वो जो है अभी यहाँ पे बिना स्ट्रेस एकदम मिनिमल स्ट्रेस भी दे रहे तो वो वायर फ्लो हो रहा है। वायर क्या हो रहा है? फ्लो, स्ट्रेन आ रहा है उसमें, स्ट्रेन आ रहा है, वायर से फैलता जा रहा है, फ्लो हो रहा है वायर। तो ये लिटरली वायर फ्लो होता है, तो इसको हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग वाई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाई क्या है यहाँ पे? ये है यील्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोगों? तो ये हो गया है यील्ड पॉइंट, क्लियर है? तो ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये पूरा प्लास्टिक नेचर है, ये पूरा क्या है, यानी इरिपेरेबल। इसके बाद ये वापस वायर आपका ओरिजिनल लेंथ कभी खुद से पाएगा नहीं, आपको फिर उसको वापस जो है पूरा रिवर्स प्रोसेस लेना होगा। वो पूरा मतलब नेचुरली नहीं आएगा वो, और इटसेल्फ वो वापस में नेचुरल लेंथ में आने वाला नहीं है, फिर उसको वैसा कटिंग लेवल उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पहुंच गया यील्ड पॉइंट। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि अब वायर जो है एक तरह से फ्लो होने लग गया, क्या होने लग गया? फ्लो होने लग गया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो तेजी से कम होने लगेगा, तेजी से उसका क्रॉस सेक्शन क्या लगेगा, कम, यानी एरिया कम होने लगेगा। अब एरिया कम होने लगेगा, वापस स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लोड तो तुमने लगाया ही है, लोड तो लगाया हुआ है, और वो जो वायर है वायर का क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वायर अब धीरे धीरे टूटने के कगार पे आ रहा है, the wire is about to break right after some time, so the load is already there, we have already connected a load and the wire is starting to flow, so its cross sectional area is decreasing, that means again the stress will increase, because stress is force upon area, force to wahi hai but area is becoming less, so stress is increasing, force per unit area, you understand? So again this graph from this point yahan se iske parallel hone ke baad, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे टैंजेंट आप निकालोगे तो टैंजेंट कैसा आएगा, पैरेलल टू दिस। इसके बाद फिर से ये ग्राफ उठने लगेगा, फिर से ये ग्राफ क्या लगेगा, उठने लगेगा, बिकॉज द एरिया इज डिक्रीजिंग, और ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस के पॉइंट तक पहुंचेगा, राइट, जहां पे जिसको हम कुछ बी बोल देते हैं। तो ये बी वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो बी, ये वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, या इसका दूसरा नाम है आप ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, हालांकि वो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों बोला है बताऊंगा आपको, टेल यू। तो एक तो मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी इससे ज्यादा स्ट्रेस अब वो वायर नहीं टॉलरेट कर सकता, और इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप ने लोड लगाया तो ऑब्वियसली वो वायर फटाफट टूटने वाला ही है, पर इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने लोड हटाना भी शुरू किया, यानी अगर आपने उसको अनलोड भी करना शुरू किया वायर को, तो भी वो वायर के अंदर स्ट्रेन, यानी लोड हटा रहे हैं तो भी उसमें स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, वो जा रहा है आगे आगे, मतलब वो पूरी तरह से निराश हो गया वायर, पूरी तरह से हताश हो गया। अब हम लोग बोल रहे रुक जाओ अभी हम आपको अनलोड कर रहे हैं, नहीं बस अब मेरा काम खलास, राइट, आई एम एंड, आई एम ओवर, वो जा रहा है, उसको अनलोड करो तो भी वो क्या हो रहा है, वो जा ही रहा है, वो बोल रहा नहीं मुझे बस एक्सटेंड होते जा रहा है, उसमें नेक फॉर्मेशन चालू है, नेक फॉर्मेशन वायर में क्या चालू है, नेक फॉर्मेशन, और नेक बड़ा 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 हो वहीं से वो टूट जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी ये वो जगह है जहां पे अनलोडिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अनलोडिंग, वायर जो है उसका हम लोग वेट हटा रहे, तो भी वो बोल रहा नहीं बस अभी उसमें एक्सटेंशन चालू ही है,
फ्री फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्री फ्लो, लोड कम कर रहे हैं तो भी वो टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, और होना ही है क्योंकि एरिया कम उठ गया है, यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या हुआ है, कम क्रॉस सेक्शन, तो वायर वैसे ही कमजोर हो गया। तो जब वो अभी के लोड को नहीं सह सकता, तो अभी आप लोड कम भी करो उसको भी नहीं सह सकता, क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया, कम, इट हैज टू फ्लो इवन फॉर अ लेसर लोड। तो लोड कम करते जा रहा है, यार लोड स्टिल इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर, वायर का क्या हो गया, फ्रैक्चर, दिस एम इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें आपको ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो इसमें एक बार देख लीजिए, ये ओ से बी इलास्टिक बिहेवियर है, राइट, परफेक्टली नहीं, इलास्टिक बिहेवियर ओ से ई तक है, लेकिन ओ से बी में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ई के आगे जब हम गए ई डैश में पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वायर के अंदर एक परमानेंट चेंज आ रहा है। तो अगर वायर को आपने लोड करके वापस अनलोड किया, तो वायर का लेंथ इनिशियल लेंथ नहीं होगा, वायर का लेंथ एल प्लस डेल्टा एल होगा, यानी परमानेंट सेट उसमें हो जाएगा, यानी वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा वायर। और इसके बियॉन्ड आप गए तब तो क्या कह रहा है कि नहीं, इसके बियॉन्ड आप गए, इसके बियॉन्ड आपने लोड लगाया, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेन जल्दी जल्दी, यानी लेंथ जल्दी जल्दी चेंज होगा थोड़े थोड़े स्ट्रेस के लिए भी, और एक पॉइंट आएगा तब ये ग्राफ पूरा ऐसा हो जाएगा जब उसका टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा स्ट्रेन के, यानी लोड नहीं डाल रहे फिर भी उसमें चेंजेस आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लो, इसको हमने बोला यील्ड पॉइंट, और यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड उसमें नेक फॉर्मेशन चालू हो जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगता है, राइट, क्योंकि तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस वापस बढ़ता है, करेक्ट। और एक पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं या मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों बोला, क्योंकि उसके बियॉन्ड अब हम और लोड बढ़ा नहीं रहे, हम लोड घटा रहे हैं, यानी वो स्ट्रेस के बाद अभी उसका हस्त क्या होने वाला है, फाइनल वो ब्रेक ही होने वाला है, इसलिए उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, समझ में आपको। उसके अलावा आप लोड करो अनलोड करो ना, स्ट्रेस बढ़ने वाला लेकिन वो जाके टूटने वाला ही है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन।